और अभी मेरे साथ है प्रिंसेस ऑफ बड़ोड़ा, प्रिंसेस आशा राजे. उनसे बात करते हैं. एक बहुत ही बेहतरीन मैच रहा, फाइनल रहा. वर यू एक्सपेक्टिंग दिस? यस, हर एक साल हम लोग ये टूर्नामेंट करते हैं एंड द आइडिया ऑफ दिस इज टू सी दैट पोलो इज प्रमोटेड इन अ बिग वे, बिकॉज ये हिंदुस्तान का खेल है जो सारा दुनिया ने ले लिया है. तो वी वॉन्ट टू प्रमोट इट एज इंडिया स्पोर्ट. तो हर साल करते हैं एंड इट्स ऑलवेज अ बिग सक्सेस. आपके लिए बड़ोड़ा कप की अहमियत क्या है, ये जानना चाहिए. सबसे पहला तो हमारा फैमिली में ये खेल होती थी और हमारा ब्रदर इन लॉ लेट महाराजा फतेह सिंह राव गायकवाड़ ने ये कप प्रेजेंट किया था एंड वी हैव कंटिन्यू द ट्रेडिशन और वी प्रमोट पोलो एंड वी ऑल्सो मेक श्योर दैट द वुमेन टेक पार्ट इन पोलो. उसके लिए हम बहुत हैप्पी है थे. हर एक साल में हम लोग ये करते हैं कि लड़के लोग भी खेले उसमें. आप खुद राजघराने से हैं, आप खुद प्रमोट करती है लड़की लोग खेले. आपने कभी कोशिश की है घोड़े पे बैठने की? मैं राइडिंग करती थी जब मैं बहुत छोटी थी. वी हैड टू, यू नो, ये राइडिंग वॉज समथिंग वी ऑल डिड बट नॉट एनी मोर. और फ्यूचर ऑफ पोलो आपको कैसे लगता है, बिकॉज आप खुद इतना कोशिश कर रही है इसको प्रमोट करने के लिए, आपको क्या लगता है कुछ इम्प्रूवमेंट होती दिख रही है आपको? बिल्कुल. सिर्फ हम ही नहीं, कितने लोग यहाँ अपने टीम्स बना के खेल रहे हैं. ऑटोमेटिकली उसकी वजह से भी इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है एंड वी आर वेरी होपफुल दैट वी कैन इससे बढ़कर हम कुछ कर सकेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया मैम सर बात करने के लिए. थैंक यू सो मच.